धार कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पेट्रोल पंप पर डकैती योजना बना रहे 6 सशस्त्र बदमाशों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। वहीं आरोपियों से 2 देसी कट्टे, 12 बोर और एक जिंदा कारतूस सहित धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि 6 लोग धार बाईपास स्थित राजनंदिनी ढाबे के सामने पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध परिस्थितियों में दिखे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के निर्देशन में 3 अलग अलग टीम द्वारा घेराबंदी कर 6 सशस्त्र बदमाशों को पकड़ा, जिसमें हेमंत पिता अमर सिंह जमरा निवासी माफीपुरा तिरला, अजय पिता भवर सिंह बबेरिया 25 साल निवासी माफीपुरा तिरला, कुंवर सिंह पिता पार सिंह जमरा 35 साल माफीपुरा धार, सुखलाल पिता जस्सू भामर 18 साल ग्राम बलवारी थाना गंधवानी, शेरू पिता शोभाराम डाबर 35 साल ग्राम उमरिया धर्मपुरी, विष्णु पिता वीर सिंह सिंगार 27 साल ग्राम आमखेड़ा धार। सभी आरोपी धार जिले के होकर बाईपास पर स्थित राजनंदिनी ढाबे के सामने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाए थे, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया तथा कब्जे से 2 देसी कट्टे, 12 बोर, एक जिंदा कारतूस सहित धारदार फलिया, सरिया, चाकू एवं लोहे की राड़ जब्त की है। आरोपियों ने पूछताछ में डकैती डालने की योजना बनाना बताया और मोबाइल चोरी की घटना करना भी स्वीकार किया है तथा आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल जिनकी कीमत 19,000 रुपये हैं जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल ये घटना कल की है। कल हमें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि RTO ऑफिस के पीछे ईटा भट्टे के पास जो है कुछ लोग 5-6 लोग जो हैं संदिग्ध रूप से ये कुछ करने की फिराक में, जिनके पास हथियार भी है। तो इसको जैसे ही हमको खबर मिली हमने 3 टीमें बनाई और 3 टीमों ने हमने दबिश दिया, तो वहाँ से 6 लड़के मिले जो राजनंदी होटल के सामने वाला जो पेट्रोल पंप है उसको उसमें डकैती डालने की इनकी योजना थी, जिनका इन लोगों ने स्वीकार किया है और इनके पास से 2 कट्टे, 2 कारतूस, कुछ लोहे के हथियार ये बरामद हुए। सर कितने लोग कुल गिरफ्तार हुए, क्या प्रकरण दर्ज किया गया? इनके ऊपर 399,402 डकैती की योजना बनाना ये अपराध दर्ज किया है और 6 लोग हैं जिसमें आरोपी, 6 आरोपी जो आसपास के गांव के ही हैं, 2 जिसमें से नौगांव और तिरला। इनके पूर्व में कोई रिकॉर्ड है? नहीं नहीं, ये लोग लोकल ही हैं और ये थोड़े नोटोरियस टाइप के लोग हैं, मतलब काम धंधा करते नहीं हैं, कुछ असामाजिक तत्व।